अब क्या करना है, 1/2x-3 बराबर क्या है, 5-1/3x है। इसमें भी वही है, x वाला को एक जगह करेंगे, बिना x वाला को एक जगह करेंगे। x वाला कौन सब है, 1/2x, ये देखो प्लस में है, इधर ले आएंगे क्या जाएगा माइनस में, 1/3x इक्वल टू क्या है रे, 5 है तो 5 लिखेंगे, ये क्या है माइनस में, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखो ये भिन्न का घटो हो गया ना, कैल्शियम लेंगे, 2 और 3 कैल्शियम क्या होगा 6, रे क्या लग रही है, तो कैल्शियम कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो 2 से इसमें भाग देंगे कितना जाएगा 3, 3 × 1 करेंगे तो 3 1, एक्स भी ऊपर में है माइनस, 2 से भाग देंगे इसमें कितना 3, 3 × x 3x बराबर क्या जाएगा 5+3, कोई दिक्कत कहा, ये हो गया गड़बड़ा गया, 3 से 2 ना आएगा 2 आएगा ठीक है। अब देखो क्या करना है, 3x में से 2x जाएगा कितना बचेगा x, नीचे में क्या है 6, इसको जोड़ेंगे 5 3 8, नहीं कुछ ऐसे क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरियक गुना कोना कोनी, 1 × x के देते x हुआ 6 8 48, ये आ गया आंसर, उसको 8 है ठीक है, 8 नहीं 48 आएगा। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ये देखो 3x को अलग है, इसको कुछ नहीं करना है प्लस, लेकिन 2 से सब में गुना, इसमें भी गुना है और इसमें भी गुना है ना होल में, तो 2 × x करें क्या जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे, 2 × 4 सेम टू सेम यहाँ भी वही करना है, 20 है माइनस 2x, माइनस से गुना का माइनस माइनस प्लस 5। अब देखो x लगा के 3 × 2 5x हो जाएगा ना रे, ये दोनों जुट जाएगा ना प्लस 4 है, अब देखो 20 5, देखो 20 प्लस में है 5 प्लस में, जुड़ जाएगा कितना होगा 25-2x। अब क्या करेंगे, x वाला के एक जगह 5x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा ना, बराबर क्या है 25, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। अब देखो 5 2 7x बराबर कितना 25, 21 हो जाएगा ना, इसीलिए x बराबर 21/7, 7 + 7 = 21, 21 बराबर कितना हो गया 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो लिखो